और देखिए बालाजी की महिमा, कौन नहीं जानत है जग में। वीर बजरंगबली को भोजन पर निमंत्रित, संकट मोचन नाम से हनुमान जी माता जानकी की रसोई में भोजन पर आए हैं और देखिए किस प्रकार भोजन कर रहे हैं। जी मैं जी बजरंगी बाबा आज डट के लाडू पेड़ा, जिनके हाथ खाली है तालियां, पेड़ा बर्फी गट्टा गट गट के लाडू पेड़ा बर्फी गट्टा गट गट के लाडू पेड़ा बर्फी गट्टा गट गट के। बड़ी श्रद्धा से प्रसाद लीजिए, सर्व शक्तिमान परम पिता परमात्मा पर मेहरबानी है, जितनी जा फटाफट परम पिता परमात्मा के हाथों प्रसाद मिल रहा है, अधिक शुक्रगुजार। भोजन पे बुलवाया सारा भोजन सीता माँ ने निज हाथों से बनाया, सारा भोजन सीता माँ ने निज हाथों से बनाया, सारा भोजन सीता माँ ने निज हाथों से बनाया। बजरंगी को एक दिन माँ ने भोजन पे बुलवाया सारा भोजन सीता माँ ने निज हाथों से बनाया, खुशबू सूंघ सूंघ के होए खुशबू सूंघ सूंघ के बजरंगी की आँख मटके, हाँ हाँ आँख मटके लाडू पेड़ा है लाडू पेड़ा बर्फी गट्टा गट गट के लाडू पेड़ा बर्फी गट्टा गट गट के। बजरंग बली ने कर डाली है खाली, बजरंग बली ने कर डाली है खाली, बजरंग बली ने कर डाली है खाली। 36 व्यंजन सामने आए भर भर के एक थाली, हर थाली बजरंग बली ने कर डाली है खाली, खाली हो गई जय हो खाली हो गई आज रसोई खाली, बर्तन खट के हाँ हाँ बर्तन खट के लाडू पेड़ा जय हो लाडू पेड़ा बर्फी गट्टा गट गट के लाडू पेड़ा बर्फी गट्टा गट गट के। हाँ ताड़ियां लगा दो अगर हाजिरी अच्छी लगी बालाजी को। ये थे बलियों के बली राम भक्त बजरंग बली, शक्तियों का ब्रह्मांड शक्तियों की खान पवन पुत्र हनुमान। और देखो हमारे राजू जी ने शत्रुघ्न जी ने आप लोगों के लिए इंतजाम कैसा किया, जहां जहां आप लोग बैठे हैं वहीं वहीं बैठे कॉफी मिल रही है आप लोगों को, चाय कॉफी जो भी बनाया आप लोगों को बैठे बैठे, खाने का इंतजाम भी बा कमाल था और आपको बैठे बैठे कॉफी भी दे रहे हैं। मेरा ख्याल से इस बात से ना इनके लिए एक ताली जरूर बनती है, अगर मन खुश है आपका फिर ताली लगानी है आप लोगों को। ठीक ठीक बुला लो साढ़े आदरणीय श्री पवन गिल साहब थोड़ी देर लिए अगर स्टेज पर कहते कि दो शब्द इन्हों की कमेटी में चाहे धन्यवाद ही कर दो कोई गल नहीं इन्ना ही बहुत। मैं देख रहा कि सर बड़ी देर तो बड़े अदब ना, हाँ जी मैं इतने पता नहीं लग रहा कि गल दो मिनट लिए आ जाओ बस कोई गल नहीं आ जाओ, जो नाल जिन्ने होर भी रिस्पैक्टड सारे जने नाल आ जाओगे मैं बड़ा अच्छा लगेगा, आ जाओ सर जी आ जाओ कोई गल नहीं। पता क्यों जरूरी क्या उन्होंने कहते साड़ी कमेटी लिए चाहे दो के शब्द ही जरूर कहो। थैंक यू सर, मैं बेनती करनी चाहवागा आ जाओ अहदे तक प्लीज मंच सर जी ने
और मेरे बहुत सत्कारयोग श्री पवन गल साहब, मैं चाहवागा पहले तो इन्होंने ताड़ी लो भरमी जी, बहुत बड़े अजीज है, बड़े खास है, बड़ी मुहब्बत प्यार देंगे दे अलमस्त बापू लाल बादशाह जी के दरबार के चेयरमैन भी है, बड़िया रहमत एक ताड़ी अलमस्त बापू लाल बादशाह जी ले भी लाओ भरमी जी, ताड़ी लाई चाहिए जेडे दाता जी ने प्यार करते हैं, दब के ताड़ी चाहिए, आओ फिर चंद शब्द ते साझे करे बहुत सत्कारयोग श्री पवन गल साहब। पवन साहब आओ, आ जाओ सारे, आ जाओ एम सी साहब जिन्हें भी आ सारे आ जाओ प्लीज, सारे आओ प्लीज मंच से, तो धन्यवाद करांगा सारिया का, साडे संधी साहब आ बबू बाजी आ खान साहब आ बग्गा जी सारे का मैं थैंक करा, सारे मैं बेनती करांगा मंच से आ जाओ, तुम राजू भाजी तुम भी नाल आओ, प्रधान साहब आ जाओ नाल आओ मंच से, राजू बहुत प्यारा जहा वीर है क्योंकि जो छिंझ मेला हों सा शहीद आजम सरदार भगत सिंह का, भगत सिंह की याद में जो छिंझ मेला अं कराने गौरव भाजी राजू भाजी का बहुत बड़ा सहयोग हों, राजू भाजी का मैं धन्यवाद करना चाहवागा, तो आओ फिर साढ़े बहुत थोड़ा थोड़ा इतना ही आ जाओ नाल वीडियो बन रही थोड़ा थोड़ा लागे आ जाओ नाल, तो साढ़े सत्कारयोग श्री पवन गल साहब तुहाडी सेवा दे विच हाजिर है। अंकल जी तुसीं इत्थे आ जाओ, अगे नूं आ जाओ राजू भाजी, तो पहले सन्मान कर लिए, हाँ पहले सन्मान होगा साढ़े राजू भीर, मैं चाहवागा एक ताड़ी राजू जी लई बन रही है जिन्होंने बहुत वधिया प्रबंध किया, जे खाण की गल करिए तो खाना भी बड़ा स्वाद आ, प्रबंध भी बहुत वधिया किया, ताड़ी बड़ी लस्सी मारदे यार, ताड़ी तो दब के ला दिओ राजू भीर जी, थैंक यू, आओ जी साढ़े बहुत सत्कारयोग श्री पवन गल साहब तुहाडी सेवा दे विच हाजिर है चंद शब्दों के नाल। पूजा प्रबंधक कमेटी के प्रधान, मेरे अजीज छोटे बेटे राजू जी, साडे इस फंक्शन के सरप्रस्त शत्रुघ्न जी और सारी प्रबंधक कमेटी दे मेंबर साहबान, मेरे कौंसलर साथी, ते सारे शहर तो आए हुए पतवंत सज्जनों, ते सारी समूह संगत, हर साल की तरह इस साल भी छठ पूजा का मेला शत्रुघ्न जी की सरप्रस्ती हेठ होता है, मैनू भी हर मेले के उत्ते इत्थे पहुंचने का मौका मिलता है, दिन पर दिन यह छठ पूजा का मेला जोड़ा आ वो बढ़ता ही जाता है, और यह सारा शेरा शत्रुघ्न तो इन्हों के सारे परिवार के उत्ते इन जिन्हें भी साथी है उन्होंने सिर पर जाता है। छठ पूजा पहला बिहार के यूपी के मनाई जाती सी, हुण पंजाब दे विच भी बड़ी धूमधाम के नाल मनाई जाती है, देशों विदेशों के विच भी बड़ी धूमधाम के नाल मनाई जाती है, और ये सारा जिन्ना भी शेरा आया सारा शत्रुघ्न जी के चरण आया, शत्रुघ्न बड़ी मेहनत के नाल लगन के नाल अपने साथियों इकट्ठे होकर ये मेला मनाते हैं, ये मैं ज़्यादा समझता हाँ भी चाहे बिहार के आए आना ने नकोदर के अंदर अंदर जितना भी अपना नाम बनाया आ वो तुम सारे जानते हो, और किसी बाहरले शहर में आ के नकोदर के अंदर आ के इन्ना नाम कमाया और इस अपने रहवर को पूजन लई सारे जतन कीता, ये पिछे जिते शत्रुघ्न का है दूसरा है सहयोग है उत्थे साडे भैन जी का भी बहुत सहयोग है, क्योंकि जिस घर के तरक्की होंगी होए जिस परिवार के तरक्की होंगी आगर सियानी औरत का हाथ होंगे, साडे भैन जी का बहुत हाथ वा, मैं बहुता समा ना लेंदा होया मैं सारियां नूं इस शुभ अवसर पर लख लख बधाई दिंदा और धन्यवाद करदा तुहाडा सारिआं दा इत्थे आउण दा, एक एक कदम साडे सिर मत्थे ते, जय छठ पूजा। थैंक यू, धन्यवाद करांगा जी
थैंक्स करांगा ते राजू पाजी बिठाइए हम सारे नो राजू जी प्रधान साहब बिठाइए हम जी ओके हम मैं बेनती करांगा प्लीज सारे जने मंच ते जिने भी प्लीज हुण चेहरा लैणगे कुर्सियां लैणगे ते क्योंकि जल साहब नूं थोड़ी जी जल्दी सी इन्हां ने जाना सीगा ते उहदा करके थोड़ा जिहा जल साहब जी नूं मंच ते तां पहलां बुलाया गया ते धन्नवाद करना चाहांगा इन्हां दा थैंक्स करना चाहांगा जल साहब बहुत प्यारे शब्दों दे नाल बोल के गए आ क्योंकि जिहड़ी सठ पूजा आ इक इकट्ठे होण दा जरिया आ क्योंकि हाँ जी साढ़े बहुत सत्कारयोग साढ़े सत्कारयोग साढ़े अंकल जी शत्रुघ्न जी ताकि सेवा के चंद शब्द करे पेश थैंक यू जी एक मैं बेनती करनी चाहवागा खास तौर पर साड़िया भैनों अरे भाई आपको बोलना चाहूँगा प्लीज थोड़ी जा कृपया चुप रहे ठीक है जी हेलो आज खुशी की बात है कि हम सभी बिहार यूपी के लोग नकोदर निवासी की कृपा से सहयोग से हम लोग आठवां छठ पूजा मना रहे हैं। यह बड़ी उपलब्धि की बात है कि आप लोगों ने जिस प्रेम से भाव से भाईचारे के रूप में हम लोगों को इस छठ पूजा में नकोदर के सारे परिवार सहयोग करते हैं इसके लिए हम बिहार यूपी के लोग ਵੈਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਆ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਵੀ